हाय गाइस, वेलकम टू सिंपल मॉम सिंपल कुकिंग। आज बनाते हैं पालक और अजवाइन की पूरी। टुडे वी आर मेकिंग अजवाइन एंड पालक पूरी एंड सुपर यमी एंड सुपर डिलिशियस पालक पनीर। तो हम बनाते हैं पालक और अजवाइन की पूरी और पालक पनीर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले आटा लेना है। First you need to take wheat flour and then you need to add carom seeds. आपको अजवाइन डालना है, फिर आपको chop किए हुए पालक लेना है। You need to take पालक which are chopped finely. बनाने के लिए हमें अभी नमक स्वाद अनुसार डालना है। We need to add salt as per taste. पालक प्योरी और फिर जो हमने लंच को हुआ पालक डाला था वो पानी डालना है। वी नीड टू पुट द ब्लांच्ड वाटर एंड मेक इट इनटू अ स्मूथ डव और फिर अच्छे से गून के एक स्मूथ डव आप बना लीजिए। देख सकते हो जो पानी हमने बचाया था ब्लांच होने के बाद वो भी हमने इस आटे में गूंदने के लिए डाल दिया है, तो हमने पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं किया है। सो यू हैव सीन वी हैव पुट द ब्लांच वाटर एंड वी हैव नॉट वेस्टेड दैट वाटर एंड वी हैव यूज्ड इट फॉर मेकिंग द डव। इसमें थोड़ा तेल डाल के उसको अच्छे से गूंद लेना। Lastly, put little oil and make a smooth dough. It made a smooth dough. You can see how well it's been pounded together. आप देख सकते हो अपना dough कितना smooth हो गया। Now, आपको एक 5-10 minutes के लिए रखना है। You need to keep it for 5-10 minutes aside. मैंने पूरी के लिए बेल लिया है। You can see, I've rolled the puris. Now we have to fry it in the hot oil. अभी हमको पूरी गरम तेल में पकाना है। अभी हम थोड़ा पानी लेंगे और अच्छे से बॉईल होने देंगे। We need to take little water and let it boil well, and then we will add our clean पालक leaves. और फिर हमको पानी उबलने पे पालक जो अच्छे से धो के हमने रखा है उसको यहाँ इस पे डालना है और अच्छे से ब्लांच करना है। वी नीड टू ब्लांच द पालक लीव्स एंड देन वी नीड टू मेक प्योरी ऑफ द सेम। फिर हमको उसका प्योरी बनाना है। अभी हमको ये धोए हुए पालक बॉइलिंग वाटर में डालना है। वी नीड टू पुट द क्लीन्ड पालक इनटू द बॉइलिंग वाटर। जस्ट ब्लांच इट, आपको सिर्फ ब्लांच करना है, कुक नहीं करना है। 2 मिनट में हमने ब्लांच किया है। वी हैव ब्लांच द पालक इन 2 मिनट्स। नाउ वी हैव टू पुट दिस इन कोल्ड वाटर टू गेट द सेम ग्रीन कलर फ्रॉम द पालक पनीर। हमको ये ब्लांच किया हुआ पालक कोल्ड वाटर में डालना है ताकि वो हरा कलर वैसे का वैसे रहे। ये ब्लांच किया हुआ पालक, वी हैव ब्लांच द पालक दैट वी हैव टू पुट इट इन द मिक्सर ग्राइंडर एंड मेक इट इनटू अ प्योरी। आपको मिक्सर ग्राइंडर में ये प्योरी बना के आपको पालक पनीर बनाना है। बनाने के लिए टू मेक द प्योरी वी नीड टू टेक द ब्लांच्ड पालक। हमको ब्लांच्ड पालक लेना है एंड वी नीड टू ऐड गार्लिक पेस्ट। आपको लहसुन का पेस्ट डालना है, अदरक डालना है, अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट,
और पेपर पाउडर, और फिर आपको पेपर पाउडर डालना है। क्रंच करने के लिए आपको थोड़ा वो ब्लांच किया हुआ पानी डालना है ताकि अच्छे से आपका प्योरी बन जाए। टू मेक द प्योरी वी नीड टू एड लिटिल बिट ऑफ द ब्लांच्ड वाटर एंड मेक इट इनटू स्मूथ पेस्ट, एंड फिर हमको अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है, सेम हरा वाला कलर। Can see how well we have got that greenish color, the fresh green color. So this is our palak puri for palak paneer as well as for the puri which we are making. So let's get started. बनाने के लिए हमको प्याज सौते करना है to make the puri, that is the palak puri. We need to saute the onions till it is brown. टमाटर डाल के आपको अच्छे से भूनना है। We need to put chopped tomato and saute it well. थोड़ा हल्दी डाल दीजिए, put little turmeric, add वेज मसाला, आपको वेज मसाला डालना है। नमक स्वाद अनुसार, we need to put salt as per taste. And mix all ingredients well. आपको अच्छे से सब मसाले को मिलाना है। अभी इसमें भूनने के बाद, अच्छे से भूनने के बाद आपको प्योरी डालना है। After it is sauteed well, you need to put the पालक प्योरी। Add little water, थोड़ा पानी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे गाढ़ा चाहिए वैसे बना लीजिए। आपको और लिक्विड चाहिए तो और पानी आप डाल सकते हो। अगर आपको और, इफ़ यू नीड द ग्रेवी टू बी लिटिल थिन, यू कैन ऐड लिटिल मोर वाटर एंड मेक इट अ सेमी थिक कंसिस्टेंसी, बट नोट इट शुड नॉट बी वाटरी। आप पानी आपके अनुसार डाल सकते हो, जितना गाढ़ा आपको ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार आप डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है। यू कैन सी हाउ वेल वी हैव गॉट दैट ग्रीनिश कलर। डजंट इट लुक यमी बिफोर इवन एडिंग द पनीर। पनीर ऐड करने के पहले ही आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है। अभी इसमें आप पनीर के पीसेस डाल सकते हैं। मैंने पनीर के रेसिपी ऑलरेडी शेयर किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हो। होममेड पनीर है जो गाय के दूध से बनाया है। और अभी इसको अच्छे से मिला के एक 5-10 मिनट सिम पे अच्छे से पकने के लिए रख दीजिए। नाउ फॉर द पनीर पीसेस एंड द ग्रेवी टू मिक्स वेल, वी नीड टू पुट इट ऑन सिम फॉर 5-10 मिनट्स एंड लेट इट कुक ऑन सिम ऑन लो फ्लेम। मैंने 10 मिनट पकाया है पालक पनीर को। आई हैव कुक फॉर 10 मिनट्स ऑन लो फ्लेम द पालक पनीर। नाउ अगेन फॉर 5 मिनट्स वी नीड टू कुक बाय एडिंग फ्रेश होममेड क्रीम। जस्ट स्टर इट। आपको घर का मलाई डालना है और अच्छे से और 5 मिनट धीमी आंच पे पकाना है। देखिए अपना पालक पनीर तैयार हो गया। कैन सी हाउ डिलिशियस एंड सुपर यमी आर पालक पनीर हैज कम। आप देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट अपना पालक पनीर तैयार हो गया है। तो हम पूरी बनाने के स्टार्ट करते हैं। सुपर डिलीशियस और सुपर यम्मी डिश तैयार है। सो योर डिलीशियस माउथ वाटरिंग डिशेस रेडी।